I'm sorry, Vedika ji, मुझे ये नाटक करना पड़ रहा है, पर ये जो नाटक है वो कोई बचपना नहीं है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको और अपने परिवार को ये बता सकूं कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। मैं नहीं जानता कि आपने ये शादी क्यों की है, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये शादी गलत है और कभी कभी गलत को रोकने के लिए गलत का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए तो वेदिका जी ये बच्चे बनने का नाटक कर रहा हूं मैं, और डॉक्टर ने भी क्या साथ दिया मेरा। सॉरी वेदिका जी, लेकिन ये ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है। चाहे हम एक दूसरे के बने या ना बने, लेकिन मेरे दिल में आप हमेशा मेरी होंगी। चाहे आप मुझे अपनाए या ना अपनाए, पर आप किसी की नहीं बन पाएंगी वेदिका जी। सादिका था, है और सादिका हमेशा रहेगा। जब तक आप अपने मुंह से यह नहीं कह देते कि आप ही मुझसे प्यार करती है, मैं हार नहीं मानने वाला। सॉरी श्रुति, मैंने तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात की, तुम्हारा हाथ रोका। लेकिन मैं क्या करूं, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि वो निधि, आई मीन मेरा बच्चा, करण ये शादी नहीं चल सकती। मुझे रिश्तों की ज्यादा समझ तो नहीं है, मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती। तुम्हें चूज करना होगा करण, तुम्हारी लाइफ में या तो वो निधि रहेगी या फिर मैं। गधी हो क्या श्रुति, इस खेल का हुक्म का इक्का मेरे पास है, मेरा ट्रम्प कार्ड, जिसके लिए करण शादी तोड़ तो देगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। थैंक यू, ओपन। साहिल क्यों? प्लीज प्लीज बाय बाय। हमें तो पता भी नहीं है इसे हुआ क्या है, हम इस तरह रिएक्ट करेंगे तो शायद इसकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बता रहा हूँ वो लड़का झूठ बोल रहा है, डॉक्टर को रिश्वत देकर कुछ भी बुलवा लिया होगा उससे। यश मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ लोगों ने धोखा किया है, अगर इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर किसी को शक की नजर से देखो। तुम्हें थोड़ा टॉर्चर तो करना पड़ेगा साहिल, तभी तुम्हारी सच्चाई बाहर आएगी। ये जो नया बिगड़ा हुआ बच्चा बनने का नाटक कर रहे हो ना साहिल, अब इस झूठ से पर्दा हट जाएगा। Thank you.
सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब बचाओ अपने आप को साहिल। अगर तुम वाकई बच्चे हो तो फ्यूज बॉक्स चेक करने की अकल तुम्हें नहीं होगी, मगर 24 साल का साहिल सबसे पहले मीटर ऑफ करेगा, और यही होगी तुम्हारी पहली और आखिरी गलती, जिससे तुम्हारा झूठ वेदिका के सामने आ जाएगा। Come on, साहिल, बचाओ खुद को। अकेला मत छोड़ो ना मुझे, आप मेरे साथ ही रहो। कहाँ जाते रहे भी आप? ये कमरे में अकेले क्या कर रहे थे तू? उठो, दरवाजा बाहर से बंद कैसे? चलो चलो बाहर, चलो चलो चलो। थैंक यू, आप हमेशा मुझे बचाती हैं, हमेशा। चलो चलो यहाँ से। मुझे पता था कि इसके पीछे तेरा या तो गस साले, पर देख तूने तो मेरी हेल्प कर दी। अब मुझे वेदिका जी को सिर्फ समझाना नहीं है, उन्हें बचाना भी है, तो जैसे कमीने से। और इसके लिए मुझे अगर जान पे भी खेलना पड़े तो खेल लूंगा। वेदिका जी और तेरे बीच इतनी गलत फहमियां पैदा कर दूंगा कि वो तुझसे दूर होती जाएगी। सबसे फनी बात यह है कि अब तक सब मुझे प्यार में पागल समझते थे, तो हम एक दूसरे से दूर करते रहते थे, लेकिन आज सच में पागल समझते हैं तो हमें पास ला रहे हैं। मेरा यही पागलपन हमें ये करेगा वेदिका जी, देखते जाइए आप। और हाँ राम प्रसाद जी, साहिल को ज्यादा गाढ़ा हलवा पसंद नहीं है, उसके लिए पतला बनाइएगा और शक्कर भी ज्यादा डालिएगा। और ये काजू बादाम किशमिश मैंने निकाल के रखे हैं, वो भी बना दीजिएगा। और इलायची, इलायची जरूर, इलायची भी डालना जी। I'm sorry, वेदिका, जब से हमारी शादी हुई है बहुत सी गलतियां हुई हैं मुझसे, और उन गलतियों की वजह है मेरी खुद की इनसिक्योरिटी थी। लेकिन प्लीज समझो वेदिका कि जिस तरह से साहिल तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था, उसे जानने के बाद मेरी जगह कोई और पति भी होता तो शायद वो भी इसी तरह शक करता। मैं मानता हूं कि मेरा सोचना गलत था, साहिल का दिमाग वाकई ही सही नहीं है और तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तो वेदिका, क्या हम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हैं, फिर से दोस्ती करते हैं? मेरे साथ डिनर पे चलोगी प्लीज? यश, ऐसे हालात में मतलब कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, कोई बात मैं समझ सकता हूं। रुको यश, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ डिनर पे। थैंक्स वेदिका, वी हैव अ डेट।
अबे चिरकुट, तुझे लगता है तू मेरे सामने वेदिका जी को डेट पे ले जाएगा और मैं देखता रहूंगा? ऐसी बैंड बजाऊंगा ना तेरे डेट की कि आज के बाद ऐसा कुछ कभी सोचेगा ही नहीं तू। माँ, साहिल भाई की तबीयत कैसी है? नहीं नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया। जैसे वेदिका जी साहिल भाई को समझती हैं, उसका ख्याल रख पाएंगी, हमें से कोई नहीं कर पाएगा। माँ, गौरी जीजी कैसी हैं? पता नहीं माँ, हमारी फैमिली पे इतनी सारी कहाँ से परेशानियाँ आ गई, और शायद किसी की नज़र। माँ, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करूँ? जी। करण की शर्ट है ना, किसे पूछ के ली तुमने? अरे हिम्मत कैसी उसकी अलमारी खोलने की? हाँ, हाउ डे यू। हाँ तो क्या हुआ, ये बच्चा भी तो उसी का है। मजाक कर रही हूँ। एक्चुअली श्रुति, मैं अपने साथ ज्यादा कुछ लेकर नहीं आई थी। आज कुछ ढंग का नहीं मिल रहा था तो मैंने ये शर्ट पहन ली। तुम प्लीज माइंड मत करना। निधि, मैं माइंड करता हूँ। अगर तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं थे तो तुम श्रुति को बोल सकती थी, वो तुम्हें हेल्प करती। कम ऑन करण, मेरा तुम पर इतना हक तो है ना कि मैं अपने होने वाले पापा के बच्चे की शर्ट तो पहन ही सकती हूँ ना? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तुम्हारा कुछ भी नहीं। मैंने सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी ली है, तुम्हारी नहीं। आइंदा से इस घर में ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे मेरे बीवी को तकलीफ पहुंचे। Got it? Fine, करन। इस बात पे इतना इश्यू बनाने की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी, मैं अभी चेंज कर लेती हूँ, ओके? Better do it right now. कुछ ज्यादा ही चहक रहा है करन। तुझे दिखाना पड़ेगा कि तूने निधि से पंगा लिया है। मैं ये बकवास सिर्फ इसीलिए सह रही हूँ क्योंकि मेरे दुश्मन तू और तेरी ये इडियट बीवी नहीं, मेरे असली दुश्मन हैं साहिल और वेदिका। एक बार फिर अपनी तरह से खेल खेलेगी निधि, और तुम दोनों को मोहरा बनाकर साहिल और वेदिका से बदला लेगी। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि तुम्हारी फेवरेट डिश क्या है। उम्मीद है जो मैंने ऑर्डर किया है तुम्हें पसंद आएगा। दरअसल पिज्जा, मैं पिज्जा। था वो कब से आपके बारे में पूछ रहा था, इसलिए मैं सौम्या से पूछकर उसे यहाँ ले आई। मम्मा सॉरी, तो मैं क्या करती? पास्ता, पास्ता मेरा फेवरेट है। पास्ता तुम्हारा फेवरेट? आपका फेवरेट मतलब मेरा फेवरेट, मुझे खाना है तो खा लो, बैठो। मुझे अभी भी शक है साहिल कि तुम झूठ बोल रहे हो। ग्रेट साहिल, तुम ये पास्ता एंजॉय करो। वेदिका, विल यू डांस विद मी प्लीज?
प्लीज। छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मुहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हथेली पे तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। सुबह पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता, हमें तुमसे मुहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। जाने दोनों से, लीव इट, अरे है उसकी देखभाल करने के लिए, वरना मुझे लगेगा कि अपने पति की बजाय तुम साहिल पे ज्यादा ध्यान दे रही हो। मुझे घर जाना है, ये पास्ता वास्ता मुझे नहीं पसंद। झूठ मत बोलो साहिल, तुम्हें वो नहीं हुआ है जो डॉक्टर कह रहे थे, तुम बच्चे नहीं हो, है ना साहिल? अगर तुम बच्चे होते तो मम्मा को यश अंकल के साथ डांस करता देख के तुम्हें से रोना नहीं आता। तू इतनी इंटेलिजेंट क्यों है छोटा पैकेट? सब समझ जाती है तू। क्योंकि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम मम्मा से कितना प्यार करते हो। तुमने सब कुछ इसलिए किया ना कि मम्मा को ये समझ आ जाए कि वो भी तुमसे प्यार करती है। पर मैं क्या करूँ, काश तेरी मम्मा इतनी इतनी समझदार होती छोटा पैकेट। वो समझदार है साहिल, और वो प्यार भी करती है तुमसे, पर बस ये एक चीज में डरती है, वो दुनिया से, हम सबको हर्ट करने से। बस ये मेरी मम्मा की एक वीकनेस है। ये तू रोना बंद कर छोटा पैकेट, यही तो मैं चाहता हूँ कि तेरी मम्मा की कमजोरी दूर हो जाए, वो इस दुनिया से, इस चिरकुट समाज से डरना बंद करे। पर हमें मम्मा से लड़ना पड़ेगा ना साहिल, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम मम्मा से ये कहलवा के ही रहेंगे कि वो भी तुमसे प्यार करती है।
साहिल, मामा को जयश अंकल के साथ डांस करते देख के तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा था ना, अब तुम उन्हें रोकोगे कैसे? वो तू मुझ पे छोड़ छोटा पैकेट।